हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी और क्विक रेसिपी फ्रूट क्रीम। थोड़ी सी ट्रिक और थोड़ी सी टिप्स के साथ, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिसमें मैंने कुछ टिप्स बताए हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं, कभी भी ओकेशन पे, किसी भी गेट टुगेदर में, पार्टी में। अभी होली का मौका है तो आप होली पे भी ये डेजर्ट बना सकते हैं, कुछ डिफरेंट डेजर्ट हो जाएगा। तो चलिए आज बनाएंगे हम फ्रूट क्रीम। आज हम दही की फ्रूट क्रीम बनाएंगे, दही से ही बनाएंगे इसलिए वो बहुत हेल्दी हो जाती है। ये दही के साथ क्रीम और फ्रूट का कॉम्बिनेशन इसे और भी डिफरेंट बनाता है। इसको बच्चों को क्या, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आती है, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इसके आगे आइसक्रीम भी पसंद नहीं करेंगे बच्चे, तो एक बार ज़रूर बनाएंगे ये फ्रूट क्रीम। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम दही लेंगे। दही को बिल्कुल खट्टा नहीं लेना है, एकदम फ्रेश दही, उससे बहुत अच्छी फ्रूट क्रीम बनती है। तो चलिए लेते हैं बाउल में एक कप फ्रेश दही। दही को मैंने 15 मिनट के लिए एक छलनी में डालकर उसका पानी निकलने तक छोड़ दिया था, जिससे उसका पानी निकल जाए और हमारे पास एकदम गाढ़ा दही मिल जाए हमें। तो ये हम एकदम फ्रेश और गाढ़ा दही लेंगे हंकर्ड। अच्छे से विस्क करेंगे इसको। अब इसमें आधा कप चीनी डालेंगे, इसको भी अच्छे से फेंटते रहेंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट के स्मूथ कर लिया है। अभी आधा कप क्रीम लेंगे, ये घर की मलाई है जो मैंने ली है, ये भी एकदम फ्रेश है। अब इसमें एक टेबल स्पून दूध डालेंगे, इसको भी डालेंगे इसमें, और अब इसको मिक्सी में चलाएंगे। मिक्सी को हमें उल्टा ही चलाना है, जैसे मैं चला रही हूँ ये उल्टा, हमें सीधा पल्स मोड में नहीं चलाना है, उल्टा विस्क करने के लिए चलाना है इस क्रीम को। इससे हमारी क्रीम बहुत ही फ्लफी बनेगी, जिनके पास में विस्कर नहीं होता वो ऐसे भी कर सकते हैं। दो तीन बार इसको हम इसी तरह से फेंट लेंगे क्रीम को। हमारी क्रीम रेडी हो गई है, देखिए कितनी अच्छे से विस्क हुई है ये। अब हम इसे भी मिला देंगे दही में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए कितना फूल के हो गया है ये, एकदम स्मूथ तैयार हुआ है ये बैटर। अब इसमें आधा टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। मेरे पास वनीला एसेंस नहीं था तो मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम फ्रूट्स मिलाएंगे, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो सभी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं इसमें कुछ फ्रूट्स हैं, कटे हुए एप्पल, ये मैंने संतरे को एकदम बारीक अच्छे से साफ करके ले लिया है इसको। अब इसमें बनानास डाल देंगे, कुछ फ्रूट्स बचा लेंगे अभी बाद में के लिए, ग्रेप्स डालेंगे,
अभी हमें जितनी ज़रूरत है हम उतने ही फ्रूट्स डाल रहे हैं। अब इसमें अनार डालेंगे, अब इन्हें मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें नट्स डाल देंगे। फ्रूट्स आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। ये मैंने कुछ काजू और कुछ बादाम को बारीक काट कर लिया है। मिक्स कर देंगे अच्छे से। कुछ अनार और कुछ फ्रूट्स और डाल सकते हैं इसमें। तो तैयार है हमारी फ्रूट क्रीम। तो एक बार दोस्तों ज़रूर बनाइएगा ये फ्रूट क्रीम, होली के ओकेजन पे बनाइएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा होली के लिए आपके आपके पास। गर्मियों के मौसम में ये फ्रूट क्रीम बना के आप फ्रिज में रखिए, ठंडी ठंडी ये फ्रूट क्रीम बहुत अच्छी लगती है सबको। इसके आगे आइसक्रीम भी फेल है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा ये फ्रूट क्रीम। और दही की फ्रूट क्रीम है तो बहुत ही हेल्दी है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। एक छोटी सी टिप्स, ये फ्रूट क्रीम बनाने के लिए बिल्कुल दही हमें खट्टा नहीं लेना है, एकदम फ्रेश दही लेना है। और क्रीम भी हमें एकदम फ्रेश लेनी है, जो रखी हुई फ्रिज की क्रीम 2-3 दिन पुरानी होती है मलाई, वो हमें यूज़ नहीं करनी है। इसके लिए हमें फ्रेश क्रीम, फ्रेश मलाई और फ्रेश दही इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी जो फ्रूट क्रीम है बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनेगी।